हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्या करेगा अभी अंदर जो बैठा है सुना पाता है आप लोग सुन पाते हैं अभी सुना जाता है माता जी बाहर सुना जाता है तो ये गाना का नाम होता है दलालेर गीति। दलाल मालूम है ना दलाल दलाल क्या करता है दलाल ब्रोकर होता है ना ब्रोकर दिल्ली मुंबई में दलाल होता है ना वो दलाल तो ब्रोकर है ब्रोकर तो बड़ा सुखर खबर भाई तो ब्रोकर बोलते हैं तो भैया बहुत सुख का बात है वो आनंद का बात है। क्या आनंद का बात है ना सुरभि कुंजते नामेर हाथ खुले से खोज नेता है तो सुरभि कुंज स्थान पर स्वयं नित्यानंद प्रभु ने नामेर हाट दिव्य नाम का हाट बाजार खुले हुए। ये बहुत बड़ा मजार कथा भाई ये बहुत आनंद और आश्चर्य का बात है बड़ा मजार कथा का है। क्या बहुत आश्चर्य का बात है ना ये हाट में ये बाजार में क्या बेचा जाता है ना शुद्ध नाम शुद्ध नाम बेचा जाता है। तो खरीदार को बुलाते हैं तुम आओ इस बाजार से शुद्ध नाम खरीद करके ले जाओ। शुद्ध नाम क्विंटल कितना करके एक टन का शुद्ध नाम कितना होगा तो बोलते हैं शुद्ध नाम कैसे खरीद कर पाएंगे ना श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हाथ से बिका उस बाजार में शुद्ध नाम बेचते हैं सिर्फ श्रद्धा का द्वारा। जिसका श्रद्धा है वो आके इस बाजार से शुद्ध नाम खरीद करके ले जा सकते हैं। तो सखा उधर कौन शुद्ध नाम बिलाते हैं कौन शुद्ध नाम बेचते हैं जो तो भक्त वृंद बसी अधिकारी देखे नाम बेचे दौर कसी। तो भक्त वृंद इधर बैठे हुए और अधिकार के अनुसार उनको प्रेम शुद्ध नाम देते हैं। जिसका जैसा अधिकार है अधिकार के अनुसार ठीक से फिक्स प्राइस करके वो दाम देते हैं दाम सही दाम ठीक करते हैं और अधिकार के अनुसार वो नाम बेचते हैं। ताई इसलिए वो दलाल बोलते हैं यदि नाम तीन में भाई ओ भाई ओ भैया तुमको नाम खरीद करना है तो अमर संगे चलो महाजनेर काछे जाए मेरे साथ चलो तुमको मैं होलसेल डीलर के पास ले जाऊंगा। होलसेल डीलर महाजन होते हैं क्यों जो मूल व्यक्ति जो बेचते हैं ना होलसेल डीलर महाजन बोलते हैं अमर संगे चलो। तो भक्ति विनोद ठाकुर आपको दलाल या ब्रोकर करके मानते हैं उसी भाव से ये भजन रचना की। तो मेरा साथ चलो मैं तुमको मूल महाजन जो होते हैं नित्यानंद प्रभु होलसेल डीलर उनके पास ले जाऊंगा। तो तब क्या होगा तुम्ही किन्न कृष्ण नाम तुम कृष्ण नाम खरीद करेंगे क्या देंगे कृष्ण नाम खरीद करेंगे क्या क्या मूल्य है श्रद्धा मूल्य में कृष्ण नाम खरीद करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा मेरे को कमीशन मिलेगा। तो ब्रोकर होता है ना ब्रोकर को कमीशन होता है ना तो इसलिए भक्त धर्म बोलते हैं तुम्ही किनबे कृष्ण नाम दस्तुरी लइबा आमी पूर्ण हबे का मैं कमीशन ले लूंगा। इसका मतलब
जो चैतन्य महाप्रभु कृपा लेने के लिए जितना भक्ति लाएंगे ले आएंगे तो उन लोग उतना क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। जितना हम लोग प्रचार करेंगे, जितना लोग भक्त बनेंगे तो उसका कमीशन मिलेगा प्रचारक को, तो पूर्ण हमें काम ऐसा क्या होगा ना, सबका कामना पूर्ण हो जाएगा। होलसेल डीलर का कामना पूर्ण होगा, तुम्हारा कामना पूर्ण होगा, मेरा कामना भी पूर्ण हो जाएगा, सब लाभवान होंगे। तो वो जो हाथ में बाजार में होलसेल डीलर बन के नित्यानंद पर बैठे हुए, वो बहुत दयालु होता है, बहुत कृपालु होता है, बड़ा बड़ा दयालु नित्यानंद, वो कृपा का करुणा का सागर होता है। इसीलिए क्या करता है ना, श्रद्धा मात्र लोय देन परम आनंद, सिर्फ श्रद्धा, जिसका श्रद्धा होता है, इसीलिए बोलते अतो श्रद्धा, थोड़ा श्रद्धा चाहिए बस, उतना श्रद्धा मन में जब जागता है तो श्रद्धा को देख के ही श्रद्धा मात्र लोय देन परम आनंद, तो कृष्ण प्रेम का परम आनंद दे देते हैं। दयालु नित्यानंद सुरभि कुंज में है, ये बाजार में होलसेल डीलर होकर इधर बैठे हुए, तो उनका आप एक बार देखेंगे वो देखने के लिए इतना सुंदर है, एक बार देखने चौखे जाओ, एक बार उनका दर्शन करेंगे तो तुम आंखों से आंसू बहेंगे। ये नित्यानंद देखने के लिए ऐसा है, तो नित्यानंद का शरीर इतना प्रकांड था, लोचन दास ठाकुर दास बताते हैं जब नित्यानंद प्रभु हरिनाम कीर्तन करके जमीन में लटकाते थे तो जैसा सोनार पर्वत धुलाते लोटा है, ऐसा मानो सोने का पहाड़ पर्वत मिट्टी में धुल रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं गौरा बोले नित्याय देन सकल संभव, गौरांग महाप्रभु का नाम कीर्तन करेंगे, जो गौरांग का नाम लेंगे तो नित्यानंद प्रभु उनका सब संभव सब सहायता देंगे, सब सहायता देंगे और दिव्य संपद प्रदान कर देंगे। जो गौरांग प्रभु का नाम कीर्तन करता है नित्यानंद प्रभु उनका दिव्य संपद प्रदान कर देता है। देन शुद्ध कृष्ण शिक्षा, आज नित्यानंद प्रभु क्या देता है, शुद्ध कृष्ण भगवान का जो पवित्र शिक्षा होता है तो शिक्षा देते हैं, तो किसको देते हैं, कौन योग्य है कौन अयोग्य है इसका विचार करते नहीं, जाति धन विद्या बल नाकरे नाकरे अपेक्षा, कौन सा जाति का तुम हो, कितना लिखा पढ़ा तुम के, कितना धन संपत्ति तुम्हारा हो, कितना शरीर में तुम्हारा ताकत हो, इसका विचार करते नहीं, इसका अपेक्षा करते नहीं। जो आता है श्रद्धा लेके तो उनको दे देते हैं। अमनी छाड़े माया जल जल गिरे थको बने थको ना थके जम जल, ओ मेरा प्यार बंधु ए जो माया दल को छोड़ दो तो माया दल छूट जाएंगे, तो उधर जाके गिरे थको बने थको ना थके जम जल, तुम घर में रहो बन में रहो जिधर भी रहो तुम्हारा कुछ भी समस्या नहीं रहेगा, जंजाल नहीं रहेगा। आर नहीं को कॉलेज भाई तो नित्याय का हाथ में आने से, नित्याय का बाजार में आने से, उनसे शुद्ध नाम खरीद करने से श्रद्धा मूल्य में आर नहीं को कॉलेज भाई, कॉलेज तुमको पकड़ाव नहीं करेंगे, कॉलेज तुमको स्पर्श नहीं कर पाएंगे, ये कॉलेज का भय तुमको नहीं करना। देव नाम नित्याय दयामय, नित्यानंद प्रभु इतना कृपामय दयामय होता है, आचंदन ब्राह्मण सबको देते हैं, पापी तापी जत छिल हरि नाम उद्धारी लो तार साखी, सुनते हैं सुनते हैं तार साखी जगाई माथे, आचंदन देव नाम नित्याय दयामय, नित्याय बहुत दयामय होता है, जगह माधारी नित्यानंद प्रभु का सिर पर आघात किए तो गौरा महाप्रभु आ गए जगह माधा को मारने के लिए, तो नित्यानंद प्रभु ने बताया नहीं मत मारो तुम तो इस
अवतार में अस्त्र धारण नहीं करना है तुमको, तुमको जी को उद्धार करना चाहिए अस्त्र का बगैर। तो जगह माता को उद्धार करो, तो कैसे जगह माता का उद्धार करेंगे? ये लोग तो पुण्य कर्म किया नहीं, सिर्फ पाप ही पाप किए। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं महाप्रभु गौरांग महाप्रभु को, मेरा पूर्व जन्म में जितना सुकृति पुण्य किया मैं सब पुण्य एक दोनों को दे देता हूँ, आप उसको क्या करो पाप से उद्धार करो, मुक्ति दान करो। वैकुंठ तो नहीं, इसको ब्रह्मा का पुण्य वस्तु कृष्ण प्रेम देखो, ये गौरव महाप्रभु का वैशिष्ट होता है। हर अवतार आते हैं, वो अवतार भगवत पद स्वरूप का शरणापन्न होने से पाप से छुटकारा प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होता है, वैकुंठ प्राप्त होता है, लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं होता। सिर्फ एक गौरव अवतार में आके सबको प्रेम दिलाते हैं। आप गौरव वहां पर किसी का द्वारा प्रेम दिलाते हैं? नित्यानंद प्रभु का द्वारा प्रेम दिलाते हैं। भक्ति बिना डाकी कहे, तो भक्ति बिना ठाकुर डाकी कहे, जो से डाकते हैं, जो से बोला के बुलाते हैं। भक्ति बिना डाकी कहे, नित्य चरण बिना आर नहीं को आश्रय। लोगों को बुलाते हैं, बोलते हैं नित्यानंद प्रभु का आश्रय चरण कमल का बगैर और दूसरा आश्रय नहीं। इस कलयुग का प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ये कलयुग में मंद सुमंद मत हो मंद भाग्य ही उपद्रुत, जो दुर्भाग्य होता है कलयुग में जन्म लाभ करता है मंद। तो लेकिन एक महान गुण है, एक कृष्ण नाम देके गौर नितन सबको उद्धार करते हैं। तो ये गोद्रुम द्वीप बहुत सुंदर द्वीप होता है। इस स्थान पर इंद्र आके तपस्या किए, जैसे आप लोग सुने हुए अंतर्द्वीप में आके कौन तपस्या किए थे? जागिए जागिए बोलिए बताइए, अंतर्द्वीप में कौन तपस्या किए थे? जोर से नहीं, पहले तुम गए थे ना अंतर्द्वीप, गया था ना जगपुर, गए थे अपना अधिवास में जो लोग थे मालूम है, तो ब्रह्मा आगे उधर तपस्या किए थे अंतर्दीप में, और पार्वती किधर तपस्या किए थे? ऐसा बात है, गोद्रुद्वीप में इंद्र सूर्य का विग्रह कर तपस्या किए थे। आप लोग सुना हुए द्वापर युग में तो भगवान श्री कृष्ण प्रजवासियों को बताए ये इंद्र पूजा बंद कर दो, ये गोवर्धन का पूजा करो। इंद्र को पूजा करने के लिए कौन बताया था? किधर लिखा है इंद्र को पूजा करने के लिए बताओ मेरे को, कौन बोला इंद्र को पूजा करने के लिए? भगवान ने बताया ना, वेद प्राण में बोला इंद्र को पूजा करो ना। लेकिन कृष्ण बहुत सोचते हैं, अरे इंद्र में लोगों ने तुमको पूजा करने के लिए बताया, अरे मेरा पिता माता भी तुमको पूजा करेंगे? तुम्हारा इतना साहस है? ये नहीं हो सकता, मेरा पिता माता तुमको पूजा नहीं करेंगे। गोवर्धन पूजा किए, इंद्र पूजा बंद कर दिए, तो इंद्र तो काउंटिंग करते तिथि कब आएगा, ब्रजवासी बहुत अच्छा खिलाएंगे, तो तिथि चला गया कोई खाना मिला नहीं। तो इंद्र सोचा क्या हो गया, तो किसी को भेजा, देखा ये ब्रजवासियों ने सब कृष्ण का बात सुन के गोवर्धन पूजा करता है। तो इंद्र क्या बोला मालूम है? बोला अरे ब्रजवासी ग्वालों का दिमाग कुछ नहीं, बुद्धि नहीं है लोगों का, तो कृष्ण को समझ नहीं पाता है इंद्र भी, वो इंद्र ब्रह्मा भी कृष्ण को समझ नहीं पाता है, कृष्ण को भगवान का क्यों जान नहीं पाते हैं। वो बोलते ग्वाल बंगाल में कहावत है, 80 साल उम्र जब होता है एक ग्वाल को कुछ दिमाग आता है। तो इंद्र सोचता है ये लोग हालत ऐसे ही है। तो इंद्र तो बहुत बारिश के आप लोग को मालूम है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जाके गिरिजा गोवर्धन जब बहुत बारिश है, ब्रजवासियों ने बताया कृष्ण अभी इंद्र को पूजा किया नहीं, इंद्र तो बहुत गुस्सा होगा, अभी क्या करेंगे?
कृष्ण मेरे पास क्यों आते हैं, तुम तो गोवर्धन को ठहरा है उसके पास जाओ। तो सब गोवर्धन के पास जब गए तो भगवान कृष्ण गोवर्धन को छोटा सा अंगूर में धारण कर दिया। और सब ब्रजवासी उधर घुस गए, जितना जंतु जानवर थे गो गाय का सब घुस गए। और जब गोवर्धन को भगवान कृष्ण हाथ में धारण किए ना अंगुली में, और गोवर्धन इतना आनंद आया, वो आनंद से एकदम फूल के विराट बड़ा हो गया और सब इधर घुस गए जाके। तो भगवान कृष्ण तो गोवर्धन का हाथ में उठाए तो जमीन पर जितना थे सब तो अंदर घुस गए, और गोवर्धन पहाड़ पर जो थे उसका हालत क्या हुआ, बहुत खराब है ना, हालत खराब है। नहीं नहीं नहीं, भगवान कृष्ण गोवर्धन कैसे उठाए, तो गोवर्धन पहाड़ इतना बड़ा था वो शिखर देश जो था वो मेघ बादल को ऊपर चला गया इतना बड़ा। तो जंतु जानवर पहाड़ का जो था ना सब ऊपर चला गया, उधर बैठा और बादल से नीचे है बारिश होता है कुछ प्रॉब्लम है, वो आराम बैठे हुए ऐसा सुंदर बहुत सुंदर वर्णन हुआ है भागवत में। तो कैसा सात दिन तक थे उधर। हाँ, ब्रजवासियों ने चाहते थे ये कृष्ण भगवान को, कृष्ण को सब समय देख नहीं पा रहे, जसोदा ही हर समय देखते हैं, हम लोग कैसे देख पाएंगे। तो कृष्ण की इच्छा हुआ तुम लोग वासना भी पूर्ण कर दूंगा, सात दिन तक मेरे भी देखते रहो। सात दिन तक इकट्ठा कर लिए और कृष्ण पकड़े हुए उसको, मां बोलता बोलते अरे मेरा किसको तेरा माखन खाओ, हाथ मैसेज कर दो उनका, इतना बेटा होता है हम बहुत से लाठी डर के पकड़ जाए। यह शास्त्र पढ़ने में हुआ कृष्ण सबको देखते हैं, देखते 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 राधारानी को मुंह दर्शन हो गया। तो राधारानी को मुंह दर्शन अगर शरीर पर कंप आ गया तो वो पर्वत हिलने लगा सब, अरे समझ लो समझ लो पकड़ 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 लो। ऐसा आनंद करते थे। सात दिन के अंत में इंद्र सोचते हैं सब खत्म हो गए, वायु देवता तुम जाके देखो ब्रजवासियों का हालत कैसा है। तो वायु देवता आके देखा, अरे ब्रजवासी अंदर तो बैठा आराम से बैठ खाए का है, अंदर में सुंदर पहाड़ ऊपर है, नीचे ऐसा नहीं पहाड़ उठा दिए, नीचे पंख है अपरिष्कार ऐसा नहीं, हमारा आचार्य लोग रखते हैं सुंदर अच्छा सीढ़ी बन गया था, बहुत परिष्कार था। अरे इंद्र देखा बहुत मजाक मजाक करते आराम करते हैं। तो फिर वायु देवता इंद्र के पास गया, इंद्र पता कैसा हुआ सब खत्म हो गया ना, अरे खत्म क्या वो अच्छा पिकनिक करते उधर बैठ के सात दिन तक आराम करते हैं। इंद्र में क्या आराम करते कैसा संभव है, हाँ वो जो छोटा बच्चा था वो छोटे अंगुल में पहाड़ को उठा दिया ऐसा पकड़ के रखा है। इंद्र क्या बेवकूफ का माफी बात करते हैं, सात साल उम्र का बच्चा पहाड़ पकड़ लिया। आजकल जैसे कोई फिजिक्स जो पढ़ते हैं इसको बताएंगे, सात साल उम्र का बच्चा पहाड़ पकड़ा वो तो हंसेगा ना। तो इंद्र ने क्या किया, ये संभव नहीं हो सकता है, तो लाइटनिंग को भेजा, विद्युत को भेजा, तुम लोग अच्छा से देख का क्या होता है। तो विद्युत भी आया, विद्युत बना इंद्र को, हाँ ये सही बात है, वो बच्चा उस छोटा अंगुल में पहाड़ को पकड़ा। इंद्र बोला तुम भी बुद्धू हो, और ये ठीक सही नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है बच्चा उठाया नहीं, अरे पहला जमाना में इस पहाड़ का पंख था, पंख पंख था, वो लोग उड़ते थे आकाश में, पहाड़ से उड़ते थे, तो उड़ के गांव गांव में बढ़ जाते थे, लोगों ने मर जाते थे, इसीलिए मैं वज्र देके सब पहाड़ का पंख काट दिया था। मैं सोचता हूँ बहुत दिन हो गया ना ये पहाड़ का थोड़ा नया पंखा अभी शुरू हो गया है, इसीलिए ये पहाड़ उड़ा थोड़ा ऊपर उड़ गया, ये बच्चा उठा नहीं, वो भी विश्वास करते नहीं। आजकल नास्तिक लोग जो होते हैं पाषाणी लोग कभी भी विश्वास करेंगे नहीं। इंद्र का हालत ऐसा हो गया, वायु देवता बोलते हैं लाइटनिंग बोलते हैं वो बच्चा हाथ में उठाया, तब ये दिमाग सुनते हैं बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं, उसका थोड़ा पंख नया पंखा सुनो वो पहाड़ ऊपर उठ गया कि बच्चा उठाया नहीं। तो फिर से मैं जाकर देखूं क्या होता है क्या है, जो इंद्र के देखा अरे ये सही बात है बच्चा उठाया उसको बहुत डर किया, तब मालूम भैया ये आदिदाय आदमी नहीं ये भगवान है। तो साथ साथ इंद्र क्या किया ब्रह्म लोक में दौड़ने शुरू कर दिया,
ब्रह्मा का पास चला गया। वो ब्रह्मा भगवान रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, क्या हुआ क्या हुआ? इंद्र बताया जैसे महाराज झटके बंद कर दिए तो कृष्ण गोवर्धन को बजा के, तो मेरे को मालूम है कृष्ण भगवान है, तो मैं बहुत बारिश किया तभी मेरा हालत खराब है, अभी क्या होगा बस तुम थोड़ा मेरा साथ में चलो। तो मेरा और से कुछ भगवान के पास जैसे के मांगना है। तो ब्रह्मा जी ने बताया अरे इंद्र तुमको दूसरा जगह मिला नहीं, तुम उधर गए और अब तुम मेरे को बोलते हो, अरे मेरा तो इसे हालत हुआ था तुम्हारा भाभी मैं भी बुद्ध था, मैं भी उधर तक ऐसा किया था, मैं मुंह दिखा नहीं सकता हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगा तुम्हारे साथ तुमको रक्षा करने के लिए। तुम एक काम करो, ये कृष्ण गो ब्राह्मण हिता है और गावियों को बहुत प्यार करते हैं, तुम सुरभि गावी के पास चले जाओ, उनको बुलाओ, उनके साथ में लेकर जाओ, तो सुरभि गावी को देखने से कृष्ण भगवान का मन क्या होगा सरल हो जाएगा, तुमको क्षमा कर देंगे। तब इंद्र जाके सुरभि गावी को तपस्या करके संतुष्ट की, तो सुरभि गावी को लेकर आए आ कृष्ण भगवान इधर व्रत में क्या करते हैं, सात दिन का अंत में कृष्ण भगवान से बारिश बंद हो गया, कृष्ण भगवान ने बताया ब्रजवासी तुम निकलो इधर से सब, तो ग्वाल लोग सोचते हम लोग तुम बच्चा है तुमको तुम्हारे ऊपर पर्वत गिर जाएगा, हम लोग लाठी लेके पकड़े गए ना, तुम पहले निकलो। कृष्ण बता रहे नहीं तुम पहले निकलो मैं बाद में निकलूंगा। तो ब्रजवासी डरते हैं ये बच्चा है कैसे पकड़ेगा, हम लोग लाठी लेके पकड़ते हैं। कृष्ण जितना समझाए लोग सुने ही नहीं, तो कृष्ण थोड़ा जो पकड़े थे ना थोड़ा साइड के हल्का कर दिए, तो एक तरफ और पहाड़ कैसे हो गया और सब ब्रजों से भागने लगे। तो जब ब्रज भाग गए तो कृष्ण पहाड़ को उधर स्थापन करके कृष्ण को मालूम है क्या होगा इधर, तो साथ साथ तो बहुत बड़ा सूरज आ गए, सब समान हो गया, सब सूख गया, सब ब्रजवासियों को घर पर भेज दिए। कृष्ण को मालूम है अभी क्या होगा, तो कृष्ण वापस नहीं गए, कृष्ण गोवर्धन पहाड़ का पास गोवर्धन पर्वत के ऊपर एक पत्थर के ऊपर बैठे रहे, उधर बैठे थे आराम से शांति से बैठे थे। तो अभी इंद्र सुरभि गावी को लेकर आया और इंद्र आपको इतना लज्जित मानते हैं तो सामने में आ नहीं पाते हैं, सुरभि गावी को सामने रख के उनको लेंस के आते हैं तेल को पकड़ के पूछ का पकड़ के रखा है, पीछे पूछ का पकड़ करके मुख को इसे नीचू करके मुंह को नीचू करके सूर्य का पीछे 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 आए कृष्ण भगवान के पास, ताके उधर क्या है मुकुट को सिर पर पैर पर रखा है और ऐरावती हाथी लोग अभिषेक किए और दस क्षमा मांगे, कृष्ण भगवान ने दस क्षमा कर दिए, दस क्षमा करके सूर्य का भी फिर इंद्र बताए देखो माता मैं बहुत अहंकारी हूँ, ये कृष्ण अवतार में ऐसा मैं अपराध कर दिया, फिर कलयुग में गौरव अवतार आएंगे फिर अवतार हाँ मेरा बड़ा पोजीशन है इसीलिए मेरा अहंकार जाता है मैं अपराध कर लेता हूँ, मैं कैसे इस अपराध से मुक्ति ला करूँ। तो सूर्य का भी तो फिर उनको लगे इंद्र को लेकर इधर आए थे, इसी स्थान पर बैठ के इंद्र इधर आए के बहुत बड़ा वट वृक्ष है, ये वट वृक्ष के नीचे सूर्य का भी रहते हैं अभी भी है हम लोग देख नहीं पाते हैं, ये वट वृक्ष का एक जोजन कितना बड़ा मालूम है 8 क्रोस इतना बड़ा वट वृक्ष है, जब प्रलय होता है प्रलय का समय भी ये जमीन पानी के नीचे नहीं जाता है पानी का ऊपर रहता है, मार्कंडेय ऋषि इधर आए थे उनको दूध पिलाए थे सूरभि का भी तो मार्कंडेय ऋषि देखे ये एक एक धाम 100 कोटि जोजन होता है 100 करोड़ जोजन एक एक आइलैंड आइलैंड का स्वरूप है, ऐसा होता है एक नवद्वीप 16 क्रॉस होता है, ये 16 क्रॉस मेटेरियल माप में होता है भौतिक माप में होता है, लेकिन ये एक एक आइलैंड 70 कोटि जोजन होता है इतना बड़ा। तो सुंदर रूप का मार्कंडेय ऋषि दर्शन किए थे, ये गो माता सुरभि माता बहुत बड़ा द्रुम या पेड़ का नीचे रहते हैं इसीलिए इस आइलैंड का नाम गोद्रुम रखा गया, और सुरभि माता इधर तपस्या की इंद्र भगवान को लेके इसीलिए इसको सुरभि कुंज बताया गया 5000 साल पहले बहुत साल पहले।
500 साल पहले जब गौर नित्यानंद का लीला प्रकाश किए तो नित्यानंद प्रभु पहला नामहत्त इधर से शुरू किया, इधर से हुआ 500 साल पहले। फिर नामहत्त का प्रचार बंद हो गया तो उनका पुनः स्थापन प्रचार शुरू कर दिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर। आप लोग गए ना भक्ति विनोद ठाकुर उधर गए ना, उधर जाने से पहले भक्ति विनोद ठाकुर इधर ही रहते थे। भक्ति में जैव धर्म ग्रंथ रचना के इधर ही बैठी के रचना किए थे, फिर बाद में उधर गए स्वानंद सुखद कुंज पर गए थे। तो 150-200 साल पहले भक्ति विनोद ठाकुर इधर बैठ के भजन करते थे और जैव धर्म ग्रंथ और रचना किए। तो ये स्थान बहुत अच्छा है भजन के लिए, ऐसा बताया गया इस स्थान पर जो बैठ के गौर भजन करेगा कुछ जल्दी जल्दी उसको गौर प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ऐसा परिक्रमा में लिखा गया। तो स्थान अच्छा मेंटेन नहीं होता था, एक बाहर का लोग रखा था, तो हम लोग कोशिश करते थे स्थान लेने के लिए, तो बाद में हम लोग लेने तो गौरी मठ के भक्त लोग के स्थान को अधिकार कर ले, तो अच्छा मेंटेन नहीं होता था। लेकिन अभी जो महाराज है अवधूत महाराज, अवधूत महाराज का गुरुदेव स्थान को हाथ में लिए, तो लेने के बाद ये अवधूत यंग महाराज है लेकिन वेरी एक्टिव है, सुंदर घाट बनाए, ये मंदिर बनाए, लेकिन कई साल हो गया मंदिर का हालत ऐसे ही है, डेवलप नहीं होता है, फिर अब फंड चाहिए तब मंदिर अच्छा से बनेगा, हम लोग अच्छा से आके बैठ के इधर कथा भी कर पाएंगे। प्रभु बहुत बड़ा उत्सव भी करते हैं, तो आप लोग को इच्छा जैसा होगा थोड़ा भिक्षा देंगे, जैसे मंदिर कंप्लीट होना चाहिए। इधर राधा कृष्ण तो छोटा मंदिर पर बैठा है, तो अच्छा मंदिर में बैठेंगे तो भगवान का वैभव बढ़ेगा, तो भक्त लोग को आनंद आएगा। भगवान का तो ऐश्वर्य का अभाव नहीं है, अभाव है भगवान का, पैसा अभाव है, अभाव नहीं पैसा है, किधर है पैसा, भक्त लोग का पॉकेट में है। जय श्री रवि की।